कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच कितनी तल्खी है, इसकी एक बानगी सोमवार को संसद परिसर में दिखाई दी, जब संसद के बजट सत्र के छठे दिन हंगामे की वजह से लोकसभा को स्थगित करना पड़ा और राहुल गांधी परिसर से बाहर निकल रहे थे, तभी सामने से अमित शाह आ गए। लेकिन दोनों नेताओं के बीच किसी तरह का अभिवादन देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी अमित शाह को नजरअंदाज करते हुए सीधा बाहर निकल गए, वहीं अमित शाह ने भी राहुल को कोई तवज्जो नहीं दी। राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा सांसद है, तो बीजेपी ने हाल ही में अमित शाह को गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनकर भेजा है। चुनावी रैलियों में अक्सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। दोनों दल एक दूसरे पर छींटाकशी का कोई मौका नहीं छोड़ते। दरअसल जब से अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली है, तब से बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। हर चुनाव में उसका जनाधार बढ़ रहा है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी दो बड़े नेता एक दूसरे के पास होकर भी इतनी बेरुखी से गुजर जाएंगे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।